हे वाट्सअप, कैसे हो मेरे भाई? आई होश करता हूँ, बढ़िया हो गया। और हाँ मेरा भाई, बढ़िया रहना। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर करूंगा, क्या मोबाइल को मोबाइल से हम चार्जिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं इस वीडियो में पूरा आप लोगों को बताऊंगा डिटेल के साथ, ठीक है? तो वीडियो में पूरा बनाए रखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? तो ये हमारे पास मोबाइल है वीवो का, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास ये वीवो का मोबाइल है, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास रेडमी का, ठीक है? रेडमी वाई टू है ये और ये वीवो का है, ठीक है? तो क्या हम इससे चार्जिंग ले सकते हैं, क्या चार्जिंग हो सकती है, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है? आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कि मोबाइल को मोबाइल हम चार्जिंग कर सकते हैं, अगर हमारे पास अगर बैटरी नहीं है, चार्जर उतर जाता है, तो हम इमरजेंसी में हम चार्जर ले सकते हैं या नहीं ले सकते, आप मुझे पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमको चार्जिंग करने के लिए हमें एक जरूरत पड़ेगी, दो चीज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक पड़ेगी जरूरत केबल की, ठीक है गाइस? हमको यहाँ पे केबल की जरूरत पड़ेगी और ये हमारा चार्जर का केबल है, ठीक है? चार्जर से आपको जो केबल रहता है उस केबल को निकाल लेना है और ला लेना है, ठीक है? और दूसरी चार आइटम जो हमारे पास है जो ओटीजी, ठीक है? ओटीजी की आपको यहाँ पे बहुत जरूरत पड़ेगी क्योंकि ओटीजी से यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है, ठीक है? तो हम पहले यहाँ पे ओटीजी चालू कर लेते हैं। तो पहले सेटिंग वाले ऑप्शन में आना है। सेटिंग वाले ऑप्शन के आने के बाद यहाँ पे एक ओटीजी का ऑप्शन आता है, ओटीजी को हमें क्लिक कर लेना है, ठीक है? ओटीजी यहाँ से जैसे चालू हो जाएगा, इसके बाद हमको यहाँ बैक कर लेना है। अब उसके बाद हमारे में लगाते हैं ओटीजी, और ओटीजी लगाने के बाद देखते हैं क्या चार्जिंग कनेक्ट होता है या नहीं, ठीक है? वैसे वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को बता दूं, ये केबल है, ठीक है? जो केबल है, जो चार्जर का जो केबल रहता है उसको निकाल लेना है। केबल जैसे निकाल लोगे उसके बाद मेरे को यहाँ पे मोबाइल देख लेते हैं, आप लोग दिखाता हूँ। यहाँ पे चार्जिंग 82% चार्जिंग है हमारे पास अभी, ठीक है? 42% चार्जिंग है, 82%। तो आप देख सकते हो जिसमें भी चार्जिंग इतनी फुल है, दोनों में फुल चार्जिंग है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो इसके लिए हमको पहले क्या काम करना होगा, अगर हम इसको मोबाइल यानी मोबाइल को चार्जिंग करना है तो इस मोबाइल में हमको क्या लगता है ओटीजी के साथ लगाना होगा, ठीक है? तो पहले ओटीजी चालू कर लेंगे। ओटीजी चालू करने के बाद हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ओटीजी चालू कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारे को दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे हमारे को लगाना है केबल, ठीक है? देख सकते हो यहाँ पर हमने केबल लगा लिया है। अब उसके बाद हमारे को जो पिन है, ये पिन को यहाँ पे लगाना है चार्जिंग के बाद, ठीक है? तो गाइस अब यहाँ देख सकते हो आप चार्जिंग हो रहा है कि नहीं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हो चार्जिंग हो रहा है, ठीक है? चार्जिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? और इस मोबाइल से भी चार्जिंग जा रहा है, मतलब दोनों मोबाइल से चार्जिंग यहाँ पे जा रहा है, ठीक है? आपको दिखाता हूँ, ये देखो तो यहाँ पे हमारा चार्जिंग कनेक्ट हो चुका है। तो गाइस हम अगर जिस मोबाइल से भी चार्जिंग लेना चाहते हैं उस मोबाइल में हमको ओटीजी और केबल लगाना होगा, ठीक है? उस मोबाइल से हमको ओटीजी कनेक्ट करना है। तो जैसे हम ओटीजी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो चार्जिंग का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग हो रहा है, ठीक है? आप यहाँ देख सकते हो चार्जिंग हो रहा है, ठीक है? 82% चार्जिंग है, आपके सामने दिखा रहा हूँ लाइव प्रूव करके, दिखाई। अगर आप भी अगर चार्जिंग करना चाहते हैं तो आपको एक केबल की और एक ओटीजी की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।